बड़े भाइयों के फायदे, वो साथ साथ साफ कर रहा है और बच्चे फिर दोबारा गंदा कर रहे हैं। उसने हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ है, जब भी कोई स्लाइड लेते हैं तो पीछे से साफ करता है। इतनी बड़ी खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह हो गई है, पापा अंडे ले आए हैं, अंडे धो के रखते हैं, बाकी ये खनफा का और मेरा बॉयल हो रहा है और साथ बन रहे हैं पराठे, बहुत ही यमी वाले मक्खन वाले पराठे बन रहे हैं, बल वाले। तो जी थानू पता ही है, गेस्ट आए हुए हैं, तुसी कल वाला व्लॉग देखे हो ना, नहीं देखे तो चलो जाओ देख के आओ। और जी साथ ही मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और करने हैं अच्छे अच्छे से कमेंट्स। तो इसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत ही यम्मी वाली बनती हैं और बहुत ही लाइट में बनाती होती हूँ, क्योंकि हनफा ने भी खानी होती है और बाद में जैसे मैं पहले भी बताया, जिसने जो जो स्पाइसेस डालने हैं वो डाल सकता है, क्योंकि कम स्पाइसिस का तो इलाज है, बहुते हो जाते उसका कोई इलाज नहीं है। सारे ना बोल रहे होंगे साढ़े मैदे ख़राब करने हैं, तू अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और उसके बाद गड़गड़ करते हुए बादल आ गए और मौसम हो गया बेईमान। कौन सा सॉन्ग है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला मेहमान तो पहले ही आए हुए हैं इसलिए मेहमानों के आने पे ही बादल आए हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते आने वाला कोई मेहमान है, क्योंकि मेहमान पहले से ही मौजूद है। तो मैं छत पे आ गई थी, मैंने कहा थोड़े से बादल दिखा दूँ। तो मैं वापस आ गई हूँ किचन में और लंच निकाल रही हूँ, इनका लंच सर्व कर दिए। तो साथ मैंने बना लिया था कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड बनाया था, और रात के जो ना बचा हुआ हमारा पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था उसके स्लाइसेस थे, वो भी साथ में गरम कर लिए थे। तो अब मेहमानों को सर्व करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उन्होंने भूख लग गई होनी है, सुबह का नाश्ता ही किया है। तो बच्चे हैं, बच्चों को पता है ऐसी चीज़ें ही पसंद आती हैं, तो ये चीज़ें बच्चे शौक से खा लेते हैं। रोटी वगैरह तो चलती रहती है, वो फिर इतने ना शौक से नहीं खाते। वैसे तो राइस वगैरह भी पड़े हुए थे, लेकिन फिर मैंने यही बना लिया, मैंने कहा बच्चे खा लेंगे ज़रा ना खुश हो जाएंगे। तो जी अब मैं यहाँ फ्रिज से निकाल रही हूँ सेवन अप, क्योंकि थोड़ी सी बची हुई थी, तो उनको शॉप का नहीं पता। और साथ में नेशनल चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सॉस ही यूज़ करते हैं ये वाली, दूसरा टमाटो केचप ना तो बहुत ही कम आता है, तो खाना लगा दिया था मैंने, लंच ब्रंच जो मर्जी कह लो इनू। तो और जी ये ना मैंने बनाया था आइस केक, जो कल वाली वीडियो में आपको बताई थी ना मैंने एक स्वीट बनाई है, तो ये बहुत मज़े की बनती है और है भी झटपट। तो ये आइस केक है, हाफ तो बच्चों ने खा लिया हुआ है, तो थोड़ा सा ही रह गया था। लंच हमारा हो गया था, अब घर में बैठे बैठे हो रहे थे बच्चे बोर, तो हम लोग इनको लेके आ गए थे मॉडल बाज़ार। तो मॉडल बाज़ार हमारे घर के पास ही है, जो टोबा वाले उनका तो पता ही है मॉडल बाज़ार का, नहीं पता तो ना मैं ज़रा टोबे दे मॉडल सस्ते बाज़ार की डिटेल वीडियो भी बना के शेयर करूँगी। तो जी ये साथ में बड़े भाई होने का फ़ायदा है, वो साथ साथ ना साफ़ करा था, क्योंकि वो बारिश की वजह से ना मिट्टी लग रही थी ना, तो उसने हैंड में पकड़ा हुआ था। इसको बहुत सफाई का शौक है, इतना ज़्यादा कि खुद भी बहुत साफ़ सुथरा रहता है और दूसरों को भी साफ़ सुथरा रखता है,
तो इसके उठाए कि ये बहन भाई ना दोनों इनके कपड़े ना गंदे हों, तो ये बार बार ना साफ़ करा था, तो मैंने इसके साफ़ करते हुए की वीडियो भी बना ली। तो अगर आप लोग गुड डॉक्टर सीज़न देखते हैं ना, तो ये थोड़ा ना जो हमारा बच्चा है ना, ये थोड़ा उस टाइप का है। बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज़ को ना बहुत नज़दीक से, बहुत ना गौर व फिक्र करके फिर ऑब्ज़र्व करता है। तो जी बच्चे यहाँ पे ले लिए हैं झूले, तो दूसरी साइड पे आप लोगों को पता है मॉडल बाज़ार में थोड़ी बहुत शॉप्स भी ओपन थी, तो फिर हम लोग चले गए थे बर्तनों वाली दुकान पे, क्योंकि आप लोगों को पता है किचन से रिलेटेड चीज़ें वैसे भी मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी हैं। ये छोटी छोटी ट्रेस मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये वाटरमेलन शेप में है, वो थोड़ी फिश टाइप बनी हुई थी, तो उसके कलर्स भी बहुत अच्छे थे, और ये 100-100 में बोल रहे थे और कह रहे थे 80-80 में दे दूँगा, तो 70-70 दियाँ सी करा लेनियाँ सी अगर लेनियाँ होनी हैं तो। खैर हमने तो बस फिर ये एक वाटर बोतल ही परचेज़ की और लेके, तो फिर हम लोग अब जा रहे हैं कहाँ पे, हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए टोबे दी, बहुत ही यम्मी, मुझे तो बहुत मज़े की आइसक्रीम लगती है, अभी सस्ती और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है ना, तो बहुत ही जैसे मुझे हल्का मीठा पसंद है और वो थोड़ा बर्फ़ बर्फ़ वाला टेस्ट नहीं आ रहा होता, बहुत अच्छे से बनी हुई होती है और टेस्ट तो मुझे बहुत पसंद है। और प्राइस तो सबसे ज़्यादा अच्छी है इसकी 30 और 50 में, 30 वाली हम लोगों ने ली थी, तो आप लोग देखिएगा अच्छा खासी बड़ी है वो, कौन कप में मिलती है और कौन में भी, तो जे किसी ने नहीं ट्राई की थी तो प्लीज़ मस्ट ट्राई। तो ये टोबा में यस मेगा मार्ट के बाहर जो है ना आइसक्रीम वाले, ये इनकी ना आइसक्रीम बहुत ही मज़े की है। ये तीन दे क्या लेना है हमको, वन आइसक्रीम आगे पकड़ो इतनी बड़ी खाते पकड़ो आइसक्रीम खाते खाते करते हैं आज के व्लॉग का एंड। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, ढेरों दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। तुसी कितने नहीं जाना, पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो वीडियो नूं करो शेयर, करो चंगे चंगे कमेंट।